बैठ की हम स्मूथली अपना काम कंप्लीट कर लें बेटा। आइए बेटे आइए, क्वेश्चन है एक तो सिंपल आपको बेटे, उन्होंने स्लाइड वायर ब्रिज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन आपका जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन इन द गिवन मीटर ब्रिज सेटअप। मीटर ब्रिज का सेटअप डियर चिल्ड्रन मैं बना रहा हूं, ये आपके मीटर ब्रिज का सेटअप कुछ ऐसा दिया हुआ है और इस मीटर ब्रिज के सेटअप में उन्होंने आपको डिस्टेंसेस जो हैं सारे दिए हुए हैं। ये आपका 65 ओम का रेजिस्टेंस है, ये डियर चिल्ड्रन आपका R ओम अननोन है, ये यही आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे कॉन्स्टेंटन वायर लगाया हुआ है और ये एक बेटा आपको सेल दे रखा है उन्होंने ऐसे, और साथ ही साथ जो यहां से सेंट्रल पॉइंट से, नहीं मुझे नहीं देनी बेटा, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है ऐसे, ये जॉकी है एंड दिस इज बेटे 40 सेंटीमीटर्स का पॉइंट है। ये आपको कहा गया है आप यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर अगर आपका मीटर ब्रिज नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं बच्चों, 97.5 ओम, सेकंड इज 105 ओम, थर्ड इज 150 ओम एंड फोर्थ इज 110 ओम। फटाफट कैलकुलेट करिएगा सारे कैलकुलेशन आप। 90 आंसर्स तो यहां पे अवेलेबल नहीं है। हाँ? होंगे एक मिनट, आंसर्स नहीं इसके दिख रहे कहीं भी, देखो तो ये क्वेश्चन है, देखो कहाँ पे है नहीं ना। चलिए आपने कैलकुलेशन किया, दैट्स गुड बेटा, मैं फॉर्मूला जरूर लिखूंगा यहाँ पे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, कुछ ऐसे ही हम किया करते थे बेटा। 65 डिवाइडेड बाय आर, इट इज 40 डिवाइडेड बाय 60, राइट बेटे। तो ये आपका डियर चिल्ड्रन 2/3 आ गया, आर इज 3/2 ऑफ 65, कितना बना पुत्र, 97.5 ओम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, चले जी आगे। ओके हाँ? मीटर ब्रिज है पुत्र, नेक्स्ट इज, हाँ जी बेटे हैं इसके, देखिए आइए, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं, अगर हैं तो देखो, इधर ही आ जाओ ना, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे इसका, देखिए कहाँ पे आंसर है। प्लीज शांत रहिए थोड़ा सा। हाँ? देखो पुत्र, हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो ज्यादा अच्छी बात है, आप करोगे तो सही, नहीं तो फिर ऐसे मैं बोल दूंगा आप भी टिक कर लेंगे, बस हो गया कर लिया, ठीक है जी। हैं दिए हुए हैं, अच्छा ये सॉल्व भी कर दिया उन्होंने, आपको तो मिला नहीं, देखो है आपने देखा नहीं ध्यान से, इट मींस है ना। किधर क्या क्वेश्चन हमारा भाई। ओके ये सारे पेपर्स का नहीं है बेटे, अच्छा सबका ही है,
37 Yes, you are 100% correct. चलें जी आगे. इसके बाद this is question number 39 with me. Question says that beta an element of 0.05 I cap meter, 0.05 I cap meter का छोटा सा element है दिया हुआ आपको, is placed at the origin as shown in the figure. ये यहां पे एक छोटा सा element रखा गया है, ये वाला x axis के along, delta x उसने इनको बोला है 0.05 I cap meter. I cap का मतलब है कि ये x axis के along है, ठीक है जी. And it carries a large current of 10 ampere. 10 ampere का current ये carry कर रहा है. Direction कुछ ऐसे mark की हुई है उन्होंने. The magnetic field at a distance of 1 meter in the perpendicular direction चाहिए. ये 1 meter के distance पर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइएगा. और आपके पास बच्चों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. पहला है बेटा 4.5 10 रेस पर माइनस 8 टेस्ला. सेकंड है 5.5 10 रेस पर माइनस 8 टेस्ला. देन थर्ड है 5.0 माइनस 8 टेस्ला. फोर्थ है 7.5 10 डेज पर माइनस 8 टेस्ला. ट्राई करिए. हाँ, 0.05 मीटर लेंथ दी हुई है आपको एलिमेंट की. हाँ जी. हाँ? फिर से ध्यान दीजिएगा, ये एक एलिमेंट रखा हुआ है. एलिमेंट की वजह से आपको ये वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये पॉइंट यहां पे इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. बेटे जब भी हमारे पास शॉर्ट साइज का कंडक्टर होता है, कौन सा हम जनरली लॉ लगाते हैं? एक्सपेरिमेंटल लॉ हमारा बायट-सेवर्ट्स लॉ है बच्चों. डी बी इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये डी एल ही आपको दिया हुआ है यहाँ पे. थीटा कितना है? 90. बाकी चीजें आपकी नोन है सारी. आर 1 मीटर, बिल्कुल ठीक हो गया. नहीं कर दीजिए, ना ना ना, कॉपी पे करिए, ये काम मत करिए. कॉपी पे करके देख लो बेटे, ऐसे कैसे होगा? आप बात नहीं मानते हैं. हाँ जी, हाँ जी, लेंथ ऑफ द एलिमेंट है ना, छोटा एलिमेंट है. डीएल तो हमने तभी लिया था बिकॉज एलिमेंट छोटे साइज का है. कितना है? म्यू नॉट 6 आ रहा है. 6 तो उसने दिया ही नहीं किसी ने भी. म्यू नॉट आपका बच्चों होता है 4π 10 रेस पर माइनस. हाँ हाँ, यस. कितना बना? सी कि डी? ठीक लग रहा है ये मुझे, सी ऑप्शन. ठीक है जी, देखिए किसका नहीं मैच किया. कर गया कि नहीं पुत्र? बोलो भैया, ऐसे नहीं कहो. हाँ जी, ऐसे ही मत कह देना कर गया. ऊपर ऊपर से कह दो कि हो गया जी, कर लिया. ये 4π 10 रेस पर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4π. आई कितना है? 10 एम्पियर का. डी एल कितना है? 0.05 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 1.
ये आपका कट गया, 10 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट इधर चल गया, ये आ गया 0.5, इसका बना दिया 5 × −5 टेस्ला, सौखा ही है वैसे तो। हाँ जी, के 1/4 πε₀। चलें जी आगे। देन डियर चिल्ड्रन, इसके बाद आपके पास बात आ जाती है एक ट्रांसफार्मर का केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों। बेटे ट्रांसफार्मर का बेटा केस स्टडी का एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से बेटा। ए ट्रांसफार्मर, बच्चों सुनिएगा जरा, अंकिता, अंकिता के रीति, अब मैं ठीक बोलने लग गया, आप गलत बोलने लग गए। ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेजेस, 220 वोल्ट को 22 kV में बदलता है या वाइस वर्सा। इट इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज नेग्लिजिबल। और बाकी उन्होंने एफिशिएंसी वगैरह निकाल के बताई हुई है, ट्रांसफार्मर की पिक्चर दी हुई है आपको, NS, NP, IS, IP, ESEP, कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स वोल्टेजेस एंड करंट्स हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होती हैं, सेकेंडरी की कम होती हैं, स्टेप अप के लिए इसका उल्टा हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द आइडियल ट्रांसफार्मर, करंट, वोल्टेज, पावर या ऑल ऑफ दीज बेटा। पावर, बिकॉज इनपुट पावर जो है ये बच्चों आउटपुट पावर के बराबर रहती है, और हम ये बात मानकर चलते हैं कि पावर के लॉसेस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। तभी आप जब इनपुट और आउटपुट पावर को कंपेयर कर देते हो, आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो सेटअप है, वहां से आपको ESEP, IS, IP मिल जाता है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड नंबर 1 टू कन्वर्ट एसी टू डीसी वोल्टेज, नंबर 2 टू कन्वर्ट डीसी टू एसी वोल्टेज, नंबर 3 ऑब्टेन डिजायर्ड डीसी पावर, चौथा है, अभी बोलने तो दो हाँ? तो कई बार वो लिख देते हैं कि ABC ऑल आर इनकरेक्ट। ऑब्टेन द डिजायर्ड एसी वोल्टेज एंड करंट, तो दिस वन इज करेक्ट। आगे एक और है बेटा, अंकिता बोलू, इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर 4 times दैट ऑफ द सेकेंडरी। प्राइमरी की टर्न्स अगर 400 हैं तो सेकेंडरी की कितनी हो गई, 100। प्राइमरी की 4 गुना है सेकेंडरी से, इट मींस कि स्टेप अप हुआ कि डाउन, डाउन हुआ। आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, इट्स प्राइमरी क्वाइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी, करंट थ्रू द सेकेंडरी इज अबाउट 4 times दैट इन द प्राइमरी, बी ऑप्शन, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज 4 times दैट ऑफ द प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज 2 times दैट ऑफ द प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज 1/√2 times दैट अक्रॉस द प्राइमरी। यस हाँ, फोर टाइम्स आ रही है,
आपको दिया गया है ट्रांसफार्मर में देखिएगा जरा पावर जब हमारा बेटा इनपुट और आउटपुट बराबर रहता है आपका सेकेंडरी का पावर ये प्राइमरी का पावर है ना बेटा प्राइमरी का और सेकेंडरी का पावर जब आप कंपेयर करोगे ESIS EPIP उसने वोल्टेज बोला है मैं एक ही जगह वी लिख दूं थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी करंट अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी करंट अक्रॉस प्राइमरी आपको कहा क्या गया है इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज फोर टाइम्स दैट इन द सेकेंडरी एन पी एन एस ये रेशो 4:1 है और आपका डिमांडेड क्या है इट्स प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी उन्होंने दिया ही हुआ है वी वोल्टेज को करंट थ्रू द प्राइमरी सेकेंडरी स्पोर्ट करंट को रिलेट करना है सेकेंडरी और प्राइमरी के करंट को रिलेट करना है तो आपके पास आई एस आई पी ये वी पी और वी एस के बराबर आएगा रेशो बेटा और वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ये नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बराबर होता है ना बेटा आप इन दोनों का बेटे यूज कर लीजिएगा आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है ए ऑप्शन आ रहा है यस इट इज ए करंट बना कितना फिर करंट थ्रू द सेकेंडरी इज फोर टाइम्स दैट ऑफ द प्राइमरी अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर है इट विल बी 4 एम्पियर अगर इसमें 1 है तो प्राइमरी में कितना होगा 0.12 नहीं 1/4 एम्पियर कह लो सीधा ही ठीक है जी यस चलें जी आगे अब एक और पार्ट उन्होंने इसी केस स्टडी के बेसिस पे दिया है आपको लास्ट पार्ट है 1, 2, 3, 4 पार्ट्स केस स्टडी वाले क्वेश्चन के दिए हुए उन्होंने लास्ट वाला है जरा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है हमें द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 20 प्राइमरी कॉइल में 20 टर्न्स हैं एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इट इज 10 और इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज 220 प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज 220 ये एन पी एन एस वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी 220 वोल्ट एसी व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑप्शंस में 100 120 110 and 220 हाँ 110 वोल्ट दिया हुआ है कैलकुलेट करके देख लिया आपने यस बच्चो यस 110 वोल्ट एसी एब्सोल्यूटली करेक्ट है आगे चलते हैं बेटा ए सोलिनॉइड क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड है दिस इज प्रॉब्लम नंबर 40 विद मी बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा जरा ए सोलिनॉइड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स पर मीटर नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 200 है छोटा एम दिया हुआ है आपको
इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर का करंट भी कैरी कर रहा है. द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज 0.2 मीटर, वेरी स्ट्रेंज, 0.2 मीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर हो गया, है ना बेटा. एंड हैज ए डायामीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, डायामीटर 1 सेंटीमीटर का है इसका. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज रिक्वायर्ड, करंट इज 3 एम्पियर. ऑप्शन है 12 pi × 10⁻⁵ टेस्ला. सेकेंड ऑप्शन है बेटा 24 pi × 10⁻⁵ टेस्ला. 12 pi × 10⁻⁵ टेस्ला, −4 sorry, एंड 48 pi × 10⁻⁶ टेस्ला. ये लास्ट ऑप्शन है आपका, 40th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. ये पर यूनिट लेंथ दी हुई है आपको. हाँ जी, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से सुन लीजिएगा. ए सोलिनॉइड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 200 टर्न्स हैं तो 0.2 मीटर में कितनी हो गई वो निकाल लीजिए. ऐसा नहीं आ रहा यहां पे, ना ना ना, नहीं ऐसे तुक्का मत लगाइए आप जरा. नहीं बेटे ऐसे थोड़ी है, आप कैलकुलेट. आसान क्वेश्चन है तरनदीप. हाँ जी, हैं बी कैसे पुत्र, डी कैसे, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या है पुत्र, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन, ये स्मॉल एन ही होता है ना, बड़ा तो नहीं होता ना, तो ये आ गया 4 pi × 10⁻⁷, ये स्मॉल एन आपको ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, आई कितना है 3 एम्पियर, तो 4 3s are 12, 12 2s are 24, इसके साथ 2 zeros मैंने लगा दी, पाई साथ में लगा दी, इतना हिस्सा मैंने सॉल्व किया, 10⁻⁷, ये zeros उड़ा दे, 24 pi × 10⁻⁵ टेस्ला, ये तो बी बन रहा है. ठीक है पुत्र, कोई उसका यूज यहाँ पे है नहीं, इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर ये. नहीं बेटा ऐसा थोड़ी है, कभी कभार का मतलब आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं. नहीं नहीं पुत्र, आप लिसन लिसन बेटे लिसन, आप उसके साथ कंफ्यूज हो रहे हैं जब आप दो लॉन्ग सोलिनॉइड्स का कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं, वहां पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. आप सिंगल या डबल कॉइल का जब म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन निकाल, बेटे डियर सुनिएगा जरा, जब आप सेल्फ इंडक्शन निकालोगे ना, वहां पे आपका एरिया आता है, इसमें बिल्कुल नहीं आता. थोड़ा अपने माइंड में इनके बीच में लाइंस को क्लियरली समझिए. चलें जी पुत्र आगे. बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, आइए देखें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 विद मी. Are you ready with your copy pen? चलिए then 41. इधर 41 में a tightly wound 90 turns coil
90 टर्न्स कॉइल टाइट वाइंडिंग की हुई है, सर्कुलर कॉइल होगी डेफिनेटली, ए टाइटली वाउंड 90 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर है, हैज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, द करंट थ्रू द कॉइल इज, कितना करंट होगा? ऑप्शंस में पहला है 1.06 एम्पियर, सेकंड इज 2.44 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन डियर 3.44 एम्पियर, चौथा ऑप्शन 4.44 एम्पियर। गुड़िया आप अपने इधर, मैं नाम माइंड से स्किप हो। हाँ जी प्रीतिका, बहुत बढ़िया नाम है, बताइए। हाँ जी प्रीतिका बेटा, कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हाँ जी लगाएंगे कि नहीं? हाँ जी अभिनव बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला पुत्र सिंपल है, करंट निकालना है। कैसे कैसे? आप नंबर ऑफ टर्न्स को छोड़ दीजिए, एक सिंगल सर्कुलर कॉइल सिंगल टर्न वाला, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? क्या बात है, बड़े फटाफट आपने बता दिया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, तो पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इसमें क्या रह गया फिर? अरे आप बी आपको दे रखा है, आप घबरा जाते हैं, फटाफट निकाल दीजिएगा आई को। अभिनव पहले काम कर लो, आई निकाल लो, मेक कैलकुलेशन। हाँ जी यस 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 प्रीतिका, दिया हुआ है 90 टर्न कॉइल। अरे बच्चे ना, इसमें छोटा बड़ा नहीं, इसमें एक ही होता है। अभिनव जी 2.44, ये सबका अलग क्यों आ रहा है भाई? 41, लेट मी वेरीफाई, ऑल टुगेदर डिफरेंट, ना ये ना वो, अब दोनों में से एक तो होगा। हाँ जी 1.06 वाला ही है, पहले वाला है, नहीं आया तो बताइए, नहीं आया कि आ गया? अच्छा ये सेंटीमीटर के मीटर बनाए, पहला काम ही ये करना है बेटा, ठीक है, हो गया। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी नाइस। जब भी बेटा, एक मेरी तरफ से सुजेशन है आपको, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, पहली नजर आपकी यूनिट्स पे जानी चाहिए, क्या यूनिट्स बराबर हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फटाफट जो भी करना है उनको करिए, लेकिन उनको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, राइट? एक बड़ा छोटा सा और प्रॉब्लम है, 43rd है। हाँ अभिनव बेटा, अभिनव कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी बेटे,
43rd है self inductance of an inductor coil having 100 turns. Inductor coil है, इसमें 100 turns हैं, इसमें आपको कहा गया है the self induction of an inductor coil having 100 turns is 20 मिली हेनरी. एल आपको 20 मिली हेनरी दिया हुआ है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. ऑप्शंस में 2 × 10^2 -5 वेबर, सेकंड में 4 × 10^2 -7 वेबर, देन 8 × 10^2 -7 वेबर, एंड लास्ट इज 8 × 10^2 -5 वेबर. करिएगा जरा, 43rd है ये, मैं भी देखता हूं तब तक क्या है इसका उन्होंने दिया. फाई एल आई होता है, तो ये टोटल फाई आ गया. कितनी टर्न्स का है? 100 टर्न्स का है, तो एक का निकालना है आपको, यही है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वाइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वाइल पूछा गया है आपको, एक टर्न का निकालना है. और इसके मिली है, मिली हेनरी के हेनरी बना लो, इसके एम्पियर बना लीजिएगा जरूर. 20 × 10^3 -4 एम्पियर, फाई एल आई टोटल फ्लक्स आ गया, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, देखना करके कितना आता है. सी कितना है? यस, 8 × 10^2 -7 वेबर आ जाना चाहिए. वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा. हैं? हैं? आपको फाई चाहिए ना एक सिंगल कॉइल के लिए, तो आपका एल कितना था? 20 × 10^3 -3. आई कितना है? 4 × 10^3 -3. नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, 10 ये कट गया, ये आ गया, कितना बना? 2 × 4 = 8 × 10^3 -6, एक नीचे से आ गया ऊपर, 8 × 10^3 -, आ तो रहा है भाई, आ तो रहा है. नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर लीजिएगा. थैंक यू ऑल बेटा, देखो देखो बेटा आपके लिए देखने के लिए.